हेलो फ्रेंड्स, मैं औरा जनो, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप ट्रेडिशनल बुटीक में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सबके सांची स्टाइल ब्लाउज कटिंग किस तरीके से करते हैं, जो कि मैंने लाइव सेशन पे बताया था। मेजरमेंट 14 इंच लंबाई, चेस्ट 34 इंच का, कमर 28 इंच, शोल्डर ब्लाउज के नाप पर 10 इंच का है, सामने का गला 8.5 इंच और पीछे गला 10 इंच। इस ब्लाउज में जो मेन हाईलाइट रहेगा ये इसका फ्रंट नेक है, जो कि लगभग 10 इंच तक का डीप रहता है। इसलिए मैं इसको 8.5 इंच बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा डीप गला बनाने पर कंफर्टेबल आप महसूस नहीं करेंगे। यहाँ पर कटिंग जब हम करेंगे ना, तो पीछे का पल्ला अलग, सामने का पल्ला अलग काटेंगे। पीछे का पल्ला पहले देख लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो, किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो। पीछे पल्ला नॉर्मली कटेगा जैसे हम किसी भी ब्लाउज में काटते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये इस प्रकार से एक सीधा निशान लेंगे, ठीक है। ये निशान लेने के बाद हम लंबाई का निशान लेंगे। अब लंबाई इसमें 14 इंच रखनी है, तो 1 इंच का मार्जिन लेकर के निशान लगाएंगे 15 इंच पर, ये इस प्रकार से। अब ये जो निशान है इसको स्केल से मिला लेना है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर शोल्डर की बात करें, तो पुराने ब्लाउज के नाम पर जैसे 10 इंच का शोल्डर है, तो यहां पे हम शोल्डर को 1 इंच प्लस करेंगे, 11 इंच करके हाफ करके 5.5 पे निशान लगा देंगे। अगर ये मेजरमेंट आप बॉडी से लेते हैं, तो जितना आपका बॉडी नाप में शोल्डर आया, उस शोल्डर को आपको हाफ करना है और 1.5 इंच माइनस करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहां पर देखिए 5.5 इंच, ये भी हम निशान लगाते हैं और दोनों निशानों को स्केल से इस प्रकार से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहीं पर बात आती है आर्म होल की, तो 34 इंच चेस्ट के हिसाब से यहां पर हम आर्म होल लेंगे सीधा सीधा 5.25 इंच का, ठीक है। ये निशान थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो यहीं पर हमें चेस्ट नापना है। तो 34 इंच का चेस्ट है, चौथा हिस्सा लेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। अब ध्यान रखना है ये बॉडी का मेजरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी भी तरह से लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। 1.25 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर पे आते हैं, कमर 28 इंच का, इसका चौथा हिस्सा लेंगे तो ये 7 इंच होगा, ये इस प्रकार से 7 इंच का निशान। फिर 1 इंच का यहाँ पे डॉट लेंगे, और 1.25 इंच का जो सिलाई मार्जिन हमने चेस्ट पे लिया वो कमर पे भी लेंगे। तो चेस्ट और कमर का मार्जिन आपका कॉमन रहेगा, चाहे आप 1.25 इंच लें, चाहे 1.5 इंच लें, चाहे 1.25 इंच लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं। ये हो गया। इसके बाद आर्म होल की बात करते हैं, तो आर्म होल की गोलाई, उसके लिए पहले हम इसको इस तरह से अंदर डाउन करते हैं, क्योंकि ये डाउन वाले प्रोसेस से ही हम मेजरमेंट करना चालू करते हैं। तो यहां पर इस तरह से 1.25 इंच पीछे पल्ले के लिए हम लेते हैं, तो ये राउंड शेप देना होगा इस प्रकार से। अब ये हल्का नीचे इस तरह से डाउन करके आपको आर्म होल का शेप देना है, इससे प्रॉपर फिटिंग आएगी और आर्म होल पे झोल वगैरह आने की जो शिकायत है वो काफी हद तक दूर होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं हम गले पर, तो गला इसका मेन हाईलाइट है, गले की चौड़ाई। तो सभ्यसाची पैटर्न्स में सबसे पहले ये शोल्डर हम इस तरह से गले की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा से बता रखा है कि हमारे कटिंग मेथड में आप शोल्डर को गले की तरफ डाउन करेंगे। जब भी आप डीप नेक के पैटर्न्स बना रहे हैं, हाई डीप नेक जब भी बनाएंगे तो गले की तरफ ही डाउन करना है, बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम कितना लेंगे, तो यहाँ पर देखो गले की जो चौड़ाई है यही इसका मेन हाईलाइट है। यहाँ पर हम 3 इंच तक गले का फैलाव आराम से रख सकते हैं, तो चलो 3 इंच गले का फैलाव रखते हैं, ये इस तरह से। अब उसके बाद ये पीछे का पल्ला है, तो पीछे के पल्ले में जैसे आप गले को डीप रखना चाहते हैं, तो हाई डीप में यहाँ पे 10 इंच 11 इंच इस तरह से आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 10.5 बता देता हूँ, 10.5 इंच पीछे का गला लेंगे और इस तरह से हम एक शेप देंगे। अब यहाँ पे ना नॉर्मली हम एक शेप देंगे मटके गले का, तो उसके लिए फैलाव पहले यहाँ पर ले लेते हैं लगभग 3.25 इंच इस तरह से। ऊपर वाले निशान से इस निशान को इस तरह से मिला देना है, और मिलाने के बाद यहाँ पे हम राउंडिंग शेप देंगे। तो मटके गले में नीचे हमेशा गोल गले का ही शेप रहता है, ये इस प्रकार से, और ऊपर से जो भी हेरा फेरी होती है ये ऊपर से होती है, तो ये ऊपर से पहले इस तरह से थोड़ा अंदर आएगा। इसको आप जितना अंदर करेंगे उतना बेहतरीन शेप बनेगा, और उसके बाद यहां से आप जितना बाहर निकालेंगे उतना अच्छा मटके का शेप बनेगा। तो ये इस प्रकार से आप एक राउंडिंग शेप देंगे, जो मटके का शेप यहाँ पे तैयार होगा। अब रही बात पीछे पल्ले के डॉट की, तो पीछे पल्ले का जो डॉट है उसको हम यहाँ पर लगभग 4 इंच की दूरी इस तरह से लेंगे, 4.25 ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर शोल्डर को बीच से फोल्ड करके भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 4 इंच ऊंचाई डॉट की, और इस निशान को मिला देना, 1/2 इंची डॉट पीछे पल्ले में लगता है। तो ये बहुत कॉमन सा प्रोसेस है पीछे पल्ले के डॉट के लिए। अब ये पीछे पल्ला हो गया रेडी, तो इसको पूरा काट के हम यहाँ से निकाल देंगे, और पीछे पल्ला जैसे ही कटिंग करेंगे उसके बाद हम फ्रंट पल्ले को पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग ही काटेंगे, ठीक है। तो इसको काट के निकालते हैं पहले।
अब देखो जैसा हमने पीछे का पल्ला कटिंग किया ठीक उसी तरह से रख करके सामने को कटिंग करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद इसी के हिसाब से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें फ्रंट पल्ले में आपको क्या करना होगा, पहले इस तरह से हम पूरा ड्राफ्टिंग कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर कट समझाऊंगा कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे सांची पैटर्न हर एक साइज के लिए आप कैसे बना सकते हो ये भी मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखो आर्म होल आप पहले सेट कर लेंगे सामने पल्ले के हिसाब से, ये आर्म होल बहुत जरूरी है। और इसके बाद इसको हम हटाते हैं, पहले सबसे पहले आर्म होल को ही बनाएंगे, इसको पहले सीधा मिला लेना ऐसे। और आर्म होल जो हम 1.5 इंच खांसते हैं फ्रंट पल्ले में, वो पहले अंदर से हम शेप दे देंगे। तो यहां पर फ्रंट पल्ले में आर्म होल की गोलाई कितने दूरी से देते हैं, 1 इंच से। ये इस प्रकार से 1 इंच से हम राउंड देना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आर्म होल का कि आपको सामने पल्ले में और पीछे पल्ले में इतना डिफरेंस रखना है। अब गले पर आते हैं, तो गला ही इसका मेन हाईलाइट है, जैसा कि मैंने कहा और जैसा आपने फोटोज में भी देखा है सब्यसाची के पैटर्न्स में कि गला जो है लगभग 10 इंच तक का डीप रहता है। तो क्या सभी लोग 10 इंच तक के लिए रेडी हैं? अगर आप इस तरह के पैटर्न्स पहनना चाहते ही हैं तो 10 इंच का गला आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, निशान लगाते हैं, देखो 10 इंच कितना डीप आएगा फ्रंट के लिए, 10 इंच मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नॉर्मल पैटर्न्स की तरह इसको बनाएंगे और यहां पे हम गले की जो गहराई है उसको लगभग 8.5 इंच लेते हैं इस तरह से। अब ये 8.5 इंच लेने के बाद, ये 8.5 इंच भी बहुत ज्यादा डीप है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप इसमें नॉर्मली 7 इंच तक का भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू आपको नहीं आएगा क्योंकि आपका जो सब्यसाची का पैटर्न है जो पफ क्रिएशन है वो सब्यसाची की तरह हो जाएगा, गला आपका नॉर्मल हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 8.5 इंच के हिसाब से लेते हैं गले का फैलाव, यहां पे उतना ही लेना जितना ऊपर लिए हैं 3 इंच, और दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करना है कि गले का जो शेप है वो किस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पे वी शेप देना है गले को। अब वी शेप आप दो तरह से दे सकते हैं, एक तो इस तरह से बिल्कुल सीधा दे सकते हो देखो, और अगर आप चाहें तो राउंड भी दे सकते हैं, तो हल्का राउंड शेप यहाँ पे इस प्रकार से करके दिया जा सकता है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कैसा देना है गले का शेप। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर मेन खेल होगा पफ क्रिएशन का। तो सबसे पहले तो यहां पे देखो कुछ चीजें मैं बहुत बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूं। सबसे पहले डॉट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपका डॉट पॉइंट शोल्डर से कितने इंच पर आता है, ये चीज आप कैसे नापोगे, पुराने ब्लाउज से या बॉडी से। तो डॉट पॉइंट जैसे मान के चलो यहां पर हमारा आ रहा है 10.5 इंच पर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, जिससे 10.5 पे आ रहा है, हो सकता है आपका 11 पे आ रहा है, किसी का 10 पे आ रहा है, किसी का 10.25 पे आ रहा है। अब डॉट की चौड़ाई तो ये साइज के हिसाब से आपको लेनी है, डॉट की जो बीच की दूरी है उसको ये आपको साइज के हिसाब से लेना है। तो साइज के हिसाब से कैसे लेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे लेते हैं 4.25 इंच पे, ठीक है, ये चेस्ट साइज है नॉर्मल 34, अगर इसे बड़ी चेस्ट साइज पे जाएंगे जैसे 36, 38, 40 पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4.25 पे ये डॉट का निशान लेंगे। और अगर इससे छोटा बनाना है 34 से 32, 30, 28 के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ये 3.5 पे 3.25 पे इस तरह से आप लोगे। अब यहाँ पे मेन खेल क्या होता है, ये जो हमने 4.25 इंच लिया, इस 4.25 इंच को आप समझिएगा, यहाँ पे हमने 4.25 इंच लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो ये वाला निशान, ये भी 4.25 लेना। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना। अब जो 4.25 का निशान आपने यहाँ लिया वही 4.25 का निशान हम नीचे लिए है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा मिलाते हैं। अब देखना एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जैसे हमने यहां से नापा ये 4.25 है, तो ये यहां पर भी इस तरह से नापेंगे, कितना नापेंगे 4.25। ठीक है, अब ये 4.25 इंच का जो गैपिंग डिस्टेंस है ये आपका बरकरार रहेगा, ये इस प्रकार से आप इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहां पर 1 इंच, ये 1 इंच आपको निशान लगाना है, कॉमन निशान आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद यहां पर देखना ये जो गैपिंग डिस्टेंस है, ये इस तरह से पहले इसको सीधा मिलाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो निशान है इसको इस तरह से ऐसे मिला करके, यहां पर बेल्ट के निशान के लिए हम देखते हैं, तो यहां पर बेल्ट जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि बेल्ट आपको कितना ऊंचा रखना है, कितना चौड़ा रखना है,
तो उस हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर बेल्ट का निशान हम लगाते हैं 2.5 इंच का, ठीक है, ये इस शेप पर, ये मार्जिन वाला निशान है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने 2.5 इंच पर अभी निशान लगाया, ये निशान यहां से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, ये ऐसे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो शेप है इसको हल्का सा राउंड कर देंगे, ये इस तरह से हल्का राउंड शेप यहां पे दे देंगे। उसके बाद देखो यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये इस तरह से, ये समझो ये प्रिंसेस कट का जो हम शेप देते हैं ना, कुछ उसी तरह का शेप यहाँ पे उल्टा शेप यहाँ पर दिया गया है। ये सभी सांची पैटर्न्स की खास बात है। ये आपका इस तरह से पूरा ये लाइन ड्रॉ होगा और यहीं पर ये कटिंग होगी। तो इसको समझने के लिए इसको यहाँ पर काटना जरूरी है, और काट करके मैं आप लोगों को पूरा इसका व्यू दिखाऊंगा और तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका सिलाई मैंने ऑलरेडी बताया है, तो इसका सिलाई आप लोग जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, प्लस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैंने इसको लगा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। पहले यहाँ पर बेल्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं, कुछ 2-3 मेजरमेंट हमें नोट करना है। जैसे ये 2.5 इंच है, ठीक है, ये जो बेल्ट है इसमें यहाँ पर ये 2.5 इंच है, ये पहला निशान। दूसरा आप इसको नापेंगे, ये कितना है, ये 4 इंच है, तो ये 4 इंच है, इसको भी लिख लेते हैं। अब बेल्ट की चौड़ाई, मतलब ये इसका जो टोटल लेंथ रहेगा ये कितना, 9.5 इंच है, तो ये इसको भी नाप लेते हैं। ये 3 मेजरमेंट्स आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये अलग से काटना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसको काट के निकालते हैं। अब यहां पर देखिए ये 2 पीस में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो हमने कपड़ा यहां से काट के निकाला, या अभी तो फिलहाल पेपर को काट के निकाले हैं, तो यही पफ क्रिएट करेगा, उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा अलग से। अभी बेल्ट की कटिंग करते हैं, फिर देखेंगे सब चीजें। तो बेल्ट के मेजरमेंट्स हमने लिए हैं, किस तरह से लिए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले यहां पर एक निशान लगाते हैं और नीचे अलग से मार्जिन देंगे 0.25 इंच का, ठीक है। ये हल्का सा तिरछा शेप बेल्ट में इस तरह से देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 9.5 इंच था, ठीक है, तो यहां पर वो निशान आपको लगाना है 9.5 का, ये ऐसे। अब ये निशान 9.5 का लेने के बाद यहां पे हमने क्या किया था, 2.5 इंच और 4 इंच, 2 मेजरमेंट लिए थे, तो 2.5 इंच तो इधर नाप लेते हैं, ये ऐसे। उसके बाद 4 इंच यहां पे नापना है, तो पहले तो 2.5 इंच और उसके बाद ये इस तरह से 4 इंच, 2 निशान यहां पे लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से पहले 2.5 से 2.5 इंच को सीधा मिला देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ना राउंड शेप देंगे। तो ये राउंडिंग शेप आपको कैसे देना है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बेल्ट बनेगा। अगर आप चाहें बेल्ट को देखो यहाँ पे हल्का राउंडिंग शेप इस तरह से दे सकते हैं, और इसको ऐसे तिरछा हल्का सा कर सकते हैं। तो ये कटिंग कर देते हैं बेल्ट की, बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो जाता है जब हम अलग अलग कटिंग करते हैं, पीछे पल्ला सामने पल्ला, तो चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं, और एक साथ कई चीज़ें काटेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बताया। और लाइव सेशन पे भी इसका कटिंग बताया गया था, सिलाई इसकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हो। और देखो अभी हमने ना इस तरह से इसको काटा, ठीक है। अब पीछे का पल्ला हमने ऑलरेडी इसका कटिंग कर दिया है, तो ये चीज़ कपड़े पर आप किस तरह से काटोगे वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखो ये जो कपड़ा है इस पे हम फ्रंट को पूरा पूरा काटते हैं, पीछे पल्ला तो खैर नॉर्मल है उसको नहीं बताऊंगा काटने के लिए। फ्रंट को इस तरह से रखना, ये देखिए, और इसका बेल्ट ये भी आप कहीं पर निकाल लेंगे, ये ऐसे। तो जब आप इसमें कटिंग करेंगे तो देखो कुछ हिस्सों पर मार्जिन देना है आपको, किस तरह से देना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। यही वजह है कि मैं कपड़े पर कटिंग आप लोगों को इसका दिखा रहा हूँ। ये इस वाले हिस्से पर इतना मार्जिन आपको देना है,
क्योंकि देखो नॉर्मली जब हम कटिंग करते हैं वो चीज़ अलग होता है, और इसको सिलाई करने के लिए ना जो हमें मार्जिन वगैरह देना होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब हम पेपर पे काटेंगे तो कपड़े पर कटिंग करने के लिए हल्का सा ये जो मार्जिन देना है इन सब का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर ब्लाउज टाइट होगा। और ये मार्जिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस प्रकार से इस हिस्से पर आपको मार्जिन देना है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको हटाते हैं। अब ये वाले पीस पर देखना, इस पे भी मार्जिन देना है, तो ये कितना मार्जिन देना होगा। ये इस तरह से पहले इन निशानों को बराबर मिला लेते हैं और पूरा पूरा मार्किंग यहाँ पे कर देते हैं। इसमें आपको नीचे वाले हिस्से पर मार्जिन देना है। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे ये नीचे वाले हिस्से पर हम ये इतना मार्जिन दे देते हैं, ठीक है, 1.25 इंच मार्जिन आप समझ लो। उसके बाद साइड वाले हिस्से पर जो मार्जिन देना है उसमें आप कमर का साइज टोटल मेजर कर लेंगे कि कमर कितना है, 28 इंच, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 इंच। ये इस तरह से नाप करके देखना। अब ये 7 सवा 7 तो लगभग है, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम कमर पे लेते हैं वो मार्जिन आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो टोटल यहाँ पे कितना मार्जिन हम लेंगे, 1.25 इंच का, क्योंकि इस तरह से इतना मार्जिन लेंगे और ऊपर से इसको मिला देंगे ये ऐसे, ठीक है। ये मार्जिन लेने के बाद ये इस प्रकार से बेल्ट जो है वो कटिंग कर लेना है। अब बेल्ट पे मार्जिन वगैरह हमने सब पेपर पे ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो उसमें कोई भी मार्जिन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से आपको इन्हें अब कटिंग कर लेना है। इसका फ्रंट पल्ले का सेटिंग किस तरह से होगा, कटिंग तो हमने पूरा करके निकाल दिया। उसके बाद ये जो कपड़ा है ये जब आप इस तरह से इसको फिट करेंगे ना, तो ये कट टू कट मिला के फिट करना, और ये जो गैप आपको दिख रहा है यही इसका पफ क्रिएट करेगा। बहुत ही शानदार ये पैटर्न है। इस तरह से जब आकर के फिट होगा तो इसमें पफ क्रिएशन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। इसमें आप चाहें तो अंदर कप वगैरह भी डाल सकते हैं अस्तर लगा करके, और फिर ये बेल्ट इसमें इस तरह से आके अटैच हो जाएगा। सिलाई कंप्लीट मैंने बताया, जाकर के देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।